चलिए जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द रिलीजन। एंड देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक एलिमेंट पे डिस्कस करूं, देखो फंक्शनलिस्ट इज अ कंसेंसस थ्योरी, ठीक है। जब कंसेंसस थ्योरी की बात की जाती है तो दे विल डेफिनेटली सपोर्ट द आइडिया ऑफ रिलीजन, सही है। एंड दे आर्ग्यूज दैट द रिलीजन कंट्रीब्यूट टू सोशल ऑर्डर एंड सोशल सॉलिडैरिटी, ठीक है। यानी कि सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सॉलिडारिटी को बिल्ड करने के लिए, कलेक्टिव कंसाइंस को बिल्ड करने के लिए फंक्शनलिज्म के नजदीक रिलीजन प्ले वाइटल रोल, ठीक है। अब सवाल उठता है, कैसे भाई? भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। रिलीजन क्या करता है? रिलीजन अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है जी। चलो मैं रिलीजन क्या करता है भाई? रिलीजन अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। जब रिलीजन अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि भाई सोशल सॉलिडारिटी, यूनिटी प्रोड्यूस करना रिलीजन का एक फंक्शन। जब ये फंक्शन प्रमोट करता है तो आपकी सोसाइटी में सोशल ऑर्डर भी आ जाता है, स्टेबिलिटी भी आ जाती है, और ऑटोमेटिकली इन फंक्शंस में बड़ा वाइटल रोल है सोशल सॉलिडारिटी का, ठीक है जी। यानी के सोशल सॉलिडारिटी का जो फंक्शन है, अब सॉलिडारिटी का मतलब क्या है? सॉलिडारिटी का मतलब होता है यूनिटी, ठीक है। सब लोग जो हैं एक पॉइंट पर एग्री कर रहे हैं। देखो एक बात जहन में रखना, फंक्शनलिज्म जब पढ़ रहे हो ना तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सी बात है। According to the functionalist, if we worship the God, if we worship the God, we worship the society. हम इस saying को याद रखना, we worship the society. देखो functionalism के नजदीक आप क्या belief, किस belief की इबादत कर रहे हो, किस खुदा इबादत कर रहे हो, डजंट मैटर। इनके पास ये चीज मैटर ही नहीं करती। इनके पास जो चीज मैटर करती है उसको हम कहते हैं फंक्शंस, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड, दिस अप्रोच इज कॉल्ड इंक्लूसिव अप्रोच। हम क्या कहते हैं बेटा इसको? इंक्लूसिव अप्रोच कहते हैं, ठीक है। बिकॉज दे नेवर टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ बिलीफ, यानी कि किस बिलीफ को आप फॉलो कर रहे हो, ये इसकी बात ही नहीं करते। एक सेकेंड, I'm so sorry, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, एक सेकेंड।
ओके जी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको आगे पीछे सेट सेट ही कर रहा था। अच्छा, तो भाई इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, इट मींस के ये लोग इंक्लूसिव अप्रोच की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं भाई इफ यू वर्शिप द गॉड मींस यू वर्शिप द सोसाइटी। इनके नजदीक आप कौन से खुदा की इबादत करते हो ये मैटर ही नहीं करता। इट मींस आप किसी भी बिलीफ के ऊपर, अब देखो लेट सपोज, समझो मेरी बात, लेट सपोज कोई भी गॉड है, ठीक है, कोई भी गॉड है, गॉड बिलीफ पे बेस करता है, उस गॉड के ऊपर पूरी सोसाइटी एग्री कर देती है, ठीक है। अब गॉड की जो वैल्यूज हैं वो एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज क्रिएट करेगा, और ये एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज कलेक्टिव कंसाइंस और सॉलिडारिटी क्रिएट करेगी, सोशल सॉलिडारिटी क्रिएट करेगा ये। क्या पूरी सोसाइटी एग्री कर गई है खुदा की इबादत करने के लिए? ठीक हो गया जी, यहां तक बात समझ में आती है आप लोगों को या नहीं आती? ये कोर कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे बुक समझ में आएगी, अदरवाइज बुक समझ में नहीं आएगी। एनी कंफ्यूजन टिल हियर फातिमा, इज इट क्लियर टू यू? भाई समझ में आया आप लोगों को ये बात? सर जी सर, एक क्वेश्चन है, अगर हम ये बोलते हैं कि कोई भी गॉड को लाइक आप बिलीव कर सकते हो सोसाइटी में, तो अगर ये इंक्लूसिव अप्रोच है तो हम इसको वैल्यूएट इस तरह कर सकते हैं कि अगर ये कहते हैं कि अगर आप गॉड को वर्शिप करोगे चाहे वो कोई भी हो तो उससे सोशल सॉलिडारिटी बढ़ती है, क्योंकि आप लोग एक पॉइंट पे एग्री कर रहे हो, तो हम इसको इस तरह वो कर सकते हैं वैल्यूएट के इसी के बेसिस पे डिफरेंट लाइक रिलीजन की वजह से, डिफरेंट बिलीफ की वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा लाइक हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसा लड़ाइयाँ होती हैं। और थियोलॉजिकल सोसाइटीज के लिए ये आइडिया तो बड़ा कन्वीनियंट था, थियोलॉजिकल सोसाइटी के लिए आइडिया कन्वीनियंट था कि पूरी सोसाइटी एक गॉड के ऊपर एग्री कर जाए, ऐसा ही है। बट आज की सोसाइटी के अंदर देयर आर सो मेनी कंफ्यूजंस, देयर आर सो मेनी व्यूज अवेलेबल, समझो, तो क्या होगा कि डिफरेंट लोग डिफरेंट गॉड्स की इबादत कर रहे होंगे और सोसाइटी के अंदर डिफरेंट रिलीजन हो सकता है एक दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट का बायस बने। समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? ओके, तो सर अगर हम अपने से कोई एग्जांपल डालें इसकी कॉन्फ्लिक्ट की बेस्ड ऑन रिलीजन तो वो मतलब मार्क्स मिल जाएंगे ना? हो सकता है। Traditional functionalism takes an inclusive approach, जो मैं जो अभी आपको समझा रहा था, it focuses on understanding of how religion functions to create. अब क्या है? Religion क्या कर रहा है? Religion functions to create, promote and maintain the cultural values. Society के अंदर cultural values को promote करना, maintain करना, create, develop करना, ये religion का काम है. That provide the moral basis of social order. यानी कि society के अंदर social order को maintain करने की एक moral reasoning देता है. Cultural institutions, including education and media, create and maintain order and continuity by promoting and supporting collective conscience. ठीक है, यानी कि society में collective conscience, जो मैं अभी आपको solidarity समझा रहा था, एक collective will of the society, पूरी society की will इस बात के ऊपर है कि हमने इस खुदा की इबादत करनी है, ठीक है? That is all about if we worship the God, it means worship the society. हम जब खुदा की इबादत करते हैं तो इसका मतलब हम उस society की इबादत करते हैं, because हमने उस society की जो collective will है उसके साथ अपनी agreement को show किया, ठीक हो गया जी? Collective conscience means a set of shared beliefs, values, meaning that unify a population through an individual sense of collective personality. यानी कि इंडिविजुअल सेंस ऑफ कलेक्टिव पर्सनालिटी के साथ उसके बिलीव्स, उसकी वैल्यूज, उसकी मीनिंग्स जो हैं कलेक्टिव विल के साथ अटैच हो जाती हैं सोसाइटी की। यानी कि उसकी अपने ख्यालात लिंक कर गए
किसके साथ? सोसाइटी कलेक्टिव विल के साथ. और एक्चुअली क्या किया, उसके बिलीफ फॉर्मुलेट हो गए इस तरह से. ठीक है, Durkheim described this in the following way. अब Durkheim क्या कहता है? There can be no society which does not feel the need of upholding and reaffirming at regular intervals the collective sentiments and collective ideas which makes it unity and personality. ठीक है, अब देखो मेरी बात. Durkheim क्या कहता है? हर सोसाइटी को नीड है, वो डिफरेंट तरीके से अपनी यूनिटी को, अपनी यूनिफिकेशन को डेवलप करे. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. इस फॉर्मूले के नजदीक चाइनीज कहते हैं कि भाई देयर इज नो रिलीजन, बट वो इस देयर इज नो रिलीजन की थॉट के ऊपर एग्रीमेंट शो करते हैं. समझ में आई बात? यानी कि पूरी सोसाइटी एक पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट दे रही होती है. ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज हो गया उनका. ठीक है, नाउ दिस मोरल रीमेकिंग कैन नॉट बी अचीव्ड एक्सेप्ट बाय मींस ऑफ रीयूनियंस असेंबलीज एंड मीटिंग्स वेयर द इंडिविजुअल बीइंग क्लोजली यूनाइटेड टू वन अनदर. अब देखो आप ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हो, एक्चुअली व्हाट इट शोज कि पूरी सोसाइटी एग्री हो गई है कि मैंने इस पॉइंट की बात करनी है, इस गॉड की इबादत करनी है. Reaffirm in common their common sentiments. Social integration is therefore an important function of religion. यानी कि social integration जो है religion का एक important function है. ठीक है, यानी कि लोगों को मिलाना. अब देखो याद रखो, जब social order maintain करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, social integration, यानी कि लोगों को एक point पर लाकर जमा करना पड़ेगा. Particularly in pre-modern tribal. अब देखो ये तमाम बातें आप एक बहुत बड़ा जो evaluation है, ये functionalist और ML Durkheim की बहुत सारी बातें pre-modern theological tribal societies में तो relevant थी, but it's not relevant in post-modern societies because there are so many beliefs, there are so many religions, there are so many differentiation in the religion, there are so many diversity in the religion. ठीक है, the development of social solidarity or moral togetherness is based on practical religious mechanisms such as collective ceremonies and services. आज की दुनिया जो है, सीन क्या है आज की दुनिया का, भाई सीन बहुत सिंपल सा है. लोगों को इकोनॉमिक वॉर के अंदर लोग लगे हुए हैं. ठीक है, तो इकोनॉमिक वॉर के अंदर जो प्रायोरिटी है वो रिलीजियस सेरेमनीज नहीं है, वो बिजनेस मीटिंग्स हैं. ठीक है जी. In modern societies, religious practice may be important, but it progressively gives away to other forms of religious type practices. ठीक है, अब religious type practices का मतलब क्या है कि पूरी सोसाइटी एक स्पोर्ट्स पे लगी हुई है. अब देखो फंक्शनलिज्म इस स्पोर्ट को भी सपोर्ट करेंगे बिकॉज वो जो स्पोर्ट है वो पूरी दुनिया, वो पूरी सोसाइटी को एक कलेक्टिव पॉइंट के ऊपर लेके आ रहा है. ठीक है, एक यूनिफाइंग फंक्शन. अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच को पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो उनके नजदीक ये एक रिलीजियस फंक्शन है. सही है, बिकॉज वो ये फंक्शन पूरा सोशल ऑर्डर मेंटेन कर रहा है. फिर कहते हैं क्या है, फॉर द टाइम Therefore, the key to understanding religion is not the content, but its effect. ठीक है, यानी कि आप किस बात चीज की बात करते हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या कहते हैं आप, अब क्या कहते हैं, the power of society over the individuals so transcends individual existence that people collectively give a sacred significance. By worshiping God, the people are worshiping the power of collective overall. यानी कि आप देखो ट्रांसेंडेंस की बात कर रहे हैं कि भाई बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने बात से की कि भाई जब वो इबादत लोगों लोग जो हैं जब खुदा की इबादत करते हैं तो इसका मतलब वो सोसाइटी के कलेक्टिव विल को सपोर्ट करें. अब क्या होता है, रिलीजन के फंक्शंस की बात कर रहे हैं भाई. पहला क्या है, कॉमन वैल्यूज प्रोवाइड करना, सोशल सॉलिडारिटी लेके जाना, कलेक्टिव सेरेमनीज के थ्रू. अब देखो याद रखो, एजुकेशन के अंदर भी वो उन एक्शंस की बात जरूर करता था, जैसे असेंबलीज हो गई, असेंबलीज सेरेमनीज, इन तमाम आइडियाज को फंक्शनल सपोर्ट करते हैं, रिचुअल्स को सपोर्ट करते हैं. रिचुअल्स सच एज मैरिज एंड फ्यूनरल्स, ठीक है, ये बहुत मैटर है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट लाइफ ट्रांजिशन लिंक्ड है रिलीजन के साथ. अब देखो इन जैसे रिचुअल्स क्या है, मैरिज एंड फ्यूनरल्स हैं. In some forms of Judaism, bar mitzvah
for boys age 13 and bat mitzvah for the age girls age 12 symbolize a religious rite of passage yani ke inki puberty ko define karti hai ye cheez theek hai to unke yahan hota hai ke bhai ek ceremony develop ki jati hai ke ek stage se banda nikal kar childhood se adulthood ke andar enter ho gaya theek hai intensification rites function to mark group occasions involve expression and affirmation of common values religious ceremonies festivals have an integration function ab let's suppose puri society ka ek integration function hai bahut simple si baat hai dekho purane zamane mein agar main gladiators ki baat karu gladiators ki era ke andar pre modern societies ke andar tumhara kabhi zindagi mein ittefaq ho na to pamukkale jana pamukkale ke andar na ek greek theater hai theek hai agar tumhe main dikha sakta hu to main tumhe abhi dikha deta hu wo kaisa hai wo hai ek second वो है ये एक्चुअली ग्रीक थिएटर है ठीक है अब सोचो इतना बड़ा थिएटर दरअसल कैसे यूज होता था वो थिएटर एक्चुअली पूरी उस कम्युनिटी को एक साथ मिलाता था ठीक है और लोग यहाँ पर आके जमा होते थे वो अपने रिचुअल्स को परफॉर्म किया करते थे ठीक है अब क्या है लोगों का एरोपेलिस कहते हैं इसको ठीक है लोगों का यहाँ पर आकर जमा होना फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये रिलीजियस एक्टिविटी ठीक है बिकॉज वो एक सेरेमनी के तौर पर वो सारे लोगों ने अपनी एक सॉलिडारिटी को शो किया हुआ ठीक है तो अब ऑटोमेटिकली क्या है अब आप ये ग्लैडिएटर्स की प्रैक्टिसेस कर रही हैं वो फाइट्स हो रही हैं जस्ट परफॉर्मेंसेस हो रही हैं पूरी सोसाइटी बैठ कर देख रही है उस चीज को ठीक है दे आर हैविंग एग्रीमेंट ओवर दिस फंक्शन ठीक है जी कोई सवाल यहां तक अच्छा The kind claim that religious symbols reflect a significant distinction between the sacred or special or the profane or everyday. ठीक है बहुत सिंपल सी बात है इसकी मैं आपको सेक्रेट और प्रोफेन की बहुत इजी एग्जांपल दूंगा एक है नॉर्मल वाटर जो नेस्ले का पानी है ठीक है एक है कौन सा वाटर हॉली वाटर जमजम का पानी ठीक है ठीक है अच्छा अब बहुत सिंपल सी बात है सेक्रेट का मतलब है हॉली वाटर हॉली वाटर का मतलब क्या है अगर किसी चीज पे लिखा हुआ हो जमजम तो ऑटोमेटिकली पूरी सोसाइटी का एग्रीमेंट है दिस थिंग इज वेरी सेक्रेट ख्याल से पियो एक नॉर्मल वाटर है प्रोफेन है एवरीडे एलिमेंट है ठीक है अब रिलीजियस सिंबल्स हैं अब एक सिंपल बुक है और कुरान है या बाइबल है ठीक है तो ऑटोमेटिकली दोनों का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो बहुत मैटर करेगा इस चीज के अंदर ठीक है अब यानी कि एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट इसका हम कह रहे हैं फंक्शनलिज्म का मतलब जो अमल दरगे में कहते हैं क्या है भाई समझना कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस उसको इम्पोर्टेंट नहीं बनाती उसके हवाले से बिलीफ उसको इम्पोर्टेंट बनाता समझ में आई बात यानी कि लोगों का ख्याल उस पर्टिकुलर चीज के हवाले से बिलीफ सिस्टम उस चीज को इम्पोर्टेंट बनाता है कि यार ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझ रहे मेरी बात पूरा सोसाइटी का एक कलेक्टिव कंसाइंस बिल्ट हो गया कि ये हॉली वाटर बड़ा सीक्रेट है सीक्रेट हो गया नॉर्मल वाटर प्रोफेन है प्रोफेन हो गया आम एवरीडे एलिमेंट हो गया अब क्या हो देयर कुड बी ऑब्जेक्ट्स सच एज बुक और एनिमल सेरेमनी सच एज वेडिंग प्लेसेस सच एज होम ऑफ अ प्रॉफिट भाई काबा है काबा इज अ सीक्रेट एलिमेंट ना सीक्रेट क्यों है क्योंकि बिलीफ है उस हवाले से ठीक है अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट देखें तो वो चीज क्या हो जाएगी बहुत ही सिंपल हो जाती है ठीक है जी यानी कि वो एक एज ए सिंपल ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा यानी कि यार एक सिंपल एक बिल्डिंग एक हाउस है
ठीक है, यहां से समझ में आती है सीक्रेट और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी। अच्छा अब क्या होता है, देयर फंक्शन वाज सिंपली टू डेवलप शेयर्ड वैल्यूज। रिलीजन का फंक्शन का काम क्या है कि शेयर्ड वैल्यूज को फंक्शंस को बिल्ड करना, दिस ड्राइंग टुगेदर। अब क्या सोसाइटी के अंदर क्या हुआ, एक आइडिया बिल्ड हो गया। अब इससे होता क्या है, अगर आप काबा की इज्जत करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बिल्ड हो गई, प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी बिल्ड हो गई, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, टर्बन जो पहनते हैं मुस्लिम में बहुत सारी कम्युनिटी टर्बन पहना जाता है, तो टर्बन जो होता है सिख कम्युनिटी के अंदर टर्बन होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सोर्स ऑफ आइडेंटिटी भी दे रहा है, इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ वैल्यूज ओवर टाइम, यानी कि अब सिख कम्युनिटी टर्बन पहनती है, इससे होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी नस्लें तक इस चीज का ख्याल रखेंगी, उनकी आइडेंटिटी डिक्लेयर्ड होगी, ठीक है। जी जी, इसमें ये प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी में वो मुस्लिम्स की हम जैसे जाब वगैरह की एग्जांपल दे सकते हैं ना, आप एग्जांपल आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, सही है। तो अच्छा अब क्या होगा, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू कोप विद द क्राइसिस, क्राइसिस के अंदर कोप अप करना, ठीक है, कि लाइफ के अंदर इंडिविजुअल्स कलेक्टिव एफर्ट्स जो होती है अपने आप को एक हार्मनी के अंदर बिल्ड करना, ठीक है। अब लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से न्यूजीलैंड की एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब होगा वो जब न्यूजीलैंड के अंदर जो मैस किलिंग्स हुई थी, तो उस मैस किलिंग के अंदर क्या सीन था बॉस, उन मैस किलिंग्स के बाद जो सिंपल सी बात हुई थी, के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उनको रिलीजन ने एक तरह से रिवाइव करने की सपोर्ट प्रोवाइड की थी, ठीक है। यानी कि जैसे इसके अलावा डेथ हो गया, रिलीजन ने एक्सप्लेन कर दिया डेथ के फीचर्स को, ठीक है, उसके हवाले से डिफिकल्ट सिचुएशन में किस तरह से बाहर निकलना है, वो तमाम चीजें इसमें से डिस्कस हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखो रीसेंट, अब ये क्या हो गया, ये न्यू फंक्शनल आइडियाज हो गए कि भाई रीसेंट टाइम्स के अंदर ये जो ट्रेडिशनल फंक्शनल ने जो ख्यालात का इजहार किया था वो सारी चीजें इतनी रेलेवेंट नहीं रही भैया, सही है। अब जब ये इतनी रेलेवेंट नहीं रही तो अब क्या किया जाए, इफ रिलीजन ग्रेजुअली लॉसेस इट्स पावर टू प्रोवाइड अ कलेक्टिव कंसर्न, अदर इंस्टीट्यूशंस डेवलप टू प्रोवाइड इट, अब दूसरे इंस्टीट्यूशन ने वो काम करना शुरू कर दिया, यानी कि रिलीजन का रोल दूसरे इंस्टीट्यूशन ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। Bell argued that such societies develop civil religions, a set of fundamental beliefs shared by the majority of people in a society. अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा चाइना की। चाइना के अंदर क्या है, एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम बिल्ड हो गया कि भाई हमने कम्युनिज्म को फॉलो करा है, कम्युनिस्ट पार्टी इज एवरीथिंग, कम्युनिस्ट पार्टी की सेरेमनीज आर एवरीथिंग, ठीक है। तो पूरी सोसाइटी का एक कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम बिल्ड हो गया, ठीक है। सिविल रिलीजन्स कैन टेक मेनी शेप, अब देखो सिविल रिलीजन ये सारी बात न्यू फंक्शनलिस्ट थॉट है, ठीक है। सिविल रिलीजन्स कैन टेक मेनी शेप्स एंड फॉर्म, दे मे प्रोवाइड ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन सच एज जनरल बिलीफ इन गॉड, बट इक्वली दे मे बी होली सेक्युलर। अब ऐसा भी हो सकता है भाई कंप्लीटली सेक्युलर हो, सिर्फ दुनिया के हवाले से बात कर रहे हो, कोई रिलीजन के बारे में बात कर ही ना रहे हो। यहाँ पर जो सेक्युलर की टर्म है इसका मतलब है नॉन, यानी कि नॉन रिलीजियस एफर्ट्स है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। पहले थियोलॉजिकल सोसाइटी के अंदर से मैंने आपको हेरापलिस की एग्जांपल दी, एक्चुअली जो हम जब हिस्ट्री ऑफ थिएटर पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री ऑफ थिएटर में के अंदर एक चीज हमें बताई गई थी भाई, ये जो थिएटर होता था एक्चुअली पुराने जमाने में ग्रीक एरा के अंदर, वो उनकी गॉड्स रिप्रेजेंटेशन थी, गॉड्स और गॉडेस की कन्वर्सेशन दिखाई जाती थी उन थिएटर्स के अंदर, ठीक है। तो आज के थिएटर के अंदर या आज की परफॉर्मेंसेस के अंदर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब वो क्या हुआ कि वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस इन द फॉर्म ऑफ थिएटर थी वो आज सेकुलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब क्या होता है सोसाइटी, अब ये जो सिविल रिलीजन्स हैं, सिविल रिलीजन्स ओवरटली सेकुलर भी हो सकते हैं, सही है, ओवरटली सेकुलर भी हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, यानी मतलब क्या है रिलीजियस, यानी कि सामने से रिलीजियस भी हो सकते हैं और सामने से सेक्युलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। जी थोड़ा अनक्लियर है, मतलब कंफ्यूज, तुम ना तुम लोगों का मसला पता है क्या, तुम लोग उसको एक रिलीजियस फॉर्म में देखते हो, ठीक है, सही है। अब देखो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेरापोलिस के अंदर ग्लैडिएटर्स की फाइट हो रही है, पूरी कम्युनिटी आके बैठ गई और गॉड्स एंड गॉडेसेस की प्रेजेंटेशन हो रही है, ऐसा ही है,
ऐसा ही है, जी ऐसा ही सर। है। कलेक्टिव सेरेमनी आ गई, कम्युनल सेरेमनी हो गई, कम्युनल सेरेमनी हो गई। आइए, जी आज आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते हो स्पोर्ट्स, अब वो जो कम्युनल सेरेमनी इन द फॉर्म ऑफ थिएटर थी, रिलीजियस थिएटर थी, आज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट क्या हो गई, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया। तो मतलब कोई भी लाइक कलेक्टिव चीज होगी कम्युनिटी उसको सिर्फ एक्टिविटी, कोई भी कम्युनिटी एक्टिविटी जो प्रीवियस रिलीजन का फंक्शन था, कि जो सोशल शेयर्ड बिलीफ सॉलिडरिटी का, का। हाँ सोलिडारिटी का फंक्शन था, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करेगा, वो एक सिविल रिलीजन के तौर पे कराएगा, तो चाहे वो सेक्युलराइज सेक्युलर व्यूज ही क्यों ना हो। सेक्युलर इश्यूज में। सही। अब एग्जांपल, पहले जमाने में क्या था, सदका जकात का जो एलिमेंट है, ठीक है, आपकी बहुत सारी एनजीओ जो कि ओवरटली सेक्युलर हैं, सही है, जो अपने आप को रिलीजियस शो भी नहीं करती, बट वो भी सदका और ज़कात देती हैं। पहले सदका ज़कात सिर्फ आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही लिया करते थे, ऐसा ही है। जी सर। तो अब क्या हुआ, सिविल जो रिलीजन का पहले फंक्शन था, जो कि सिर्फ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ही परफॉर्म करती थी, अब वो दूसरे इंस्टीट्यूशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, सही है, समझ में आई बात। जी सर, 1 मिनट दे लिखना है। अच्छा जी, हो गया, आगे बढ़े। जी अब देखो, मैंने क्या कहा था कि न्यू फंक्शनलिस्ट ऑलवेज हाईलाइट द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विद द ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म, ऐसा ही है? ठीक जी है, अब जब हम इस चीज की बात करते हैं, पहले ने सिविल रिलीजन की बात की, नाउ वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, इन्होंने कहा, न्यू फंक्शनलिस्ट ने नोटिस किया भाई कि दुनिया के अंदर ये रिलीजन्स आर डिसफंक्शनिंग, बहुत सारे डिसफंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या, देयर हैज आल्सो बीन अ ग्रेटर एम्फसाइज ऑन बिलीफ एंड आइडिया ऑफ डिसफंक्शंस, रिलीजन इज नॉट ऑटोमेटिकली एंड इनविटेबली फंक्शनल, सही है, रिलीजन जो है बहुत ज्यादा फंक्शनली फंक्शनल नहीं है। इन कल्चर डाइवर्स सोसाइटीज इट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, जो हमने पहले बात की थी, सम अमेरिकन क्रिश्चियन फंडामेंटल ग्रुप्स फॉर एग्जांपल वायलेंटली अपोज टू अबॉर्शन, ठीक है, अबॉर्शन से मैं आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अमेरिकन क्रिश्चियंस को लेकर, अलावा जो जैसे मैं आपको बताता हूँ, वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटीज में कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, तो इसकी वजह क्या है कि भाई वो अबॉर्शन हो गया या जैसे किसी भी, वो पॉपुलेशन की एनहेंसमेंट की बात करते हैं, उसको एक्सपेंशन की बात करते हैं, उसको रोकने की बात नहीं करते, ठीक है। ब्रूस ऑब्जर्व दैट, ब्रूस वही है जो आपके सेक्युलराइजेशन की बात करते हैं, सोशल साइंटिस्ट हैव लॉन्ग सीन अवेयर ऑफ द रोल ऑफ रिलीजन इन सोशल सिस्टम, शेयर्ड रिचुअल्स एंड शेयर्ड बिलीव्स दैट बाइंड पीपल टुगेदर, व्हाट इज नॉट सो ऑफन नोटेड, द आइडिया रिलीजन ऑफन डिवाइड्स वन ग्रुप फ्रॉम अनदर, यानी कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल फंक्शनिस्ट हैं उन्होंने एम्फसाइज किया था रिलीजन बाइंड द सोसाइटी, बट रिलीजन कैन डिवाइड द सोसाइटी ऑल्सो, रिलीजन जो है वो सोसाइटी के अंदर, जो हमने पहले शुरू में डिस्कस किया था, आपने वैल्यूएशन के आर्गुमेंट में डिस्कस किया था कि रिलीजन जो है वो डिविजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब देखो, द ग्रेटर एम्फसाइज ऑन स्मॉल स्केल फंक्शनैलिटी, अब क्या हुआ कि रिलीजन का जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत बड़े स्केल पर नहीं हो रही, रिलीजन की फंक्शनैलिटी बहुत स्मॉल स्केल पे, इन सम टाइम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एज अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल चेंज, ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ट्रेडिशनल फंक्शन क्या कहते थे, सोशल स्टेबिलिटी की बात करते थे, अब रिलीजन जो है कैन बी द पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सोशल चेंज, सही है। अब मेंबरशिप ऑफ अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड ऑप्रेस ग्रुप्स विद द सॉलिडैरिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस दे नीड टू चैलेंज द अनजस्ट लॉज, अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैं किसकी दूंगा, मैं यहाँ पर दूंगा लिबरेशन थियोलॉजी की एग्जाम्पल, ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट थी 1960 की, ठीक है। अब क्या हुआ, क्रिश्चियन चर्च ने जो थी वो अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन जो थी उनके साथ अपोज किया था, ठीक है,
अब उस अपोजिशन से क्या हो रहा है, रिलीजन में कंट्रीब्यूट टू द सोशल चेंज. As far as the traditional Marxist functionists are concerned, they emphasize the idea that the tradition, the function, the religion support the social stability. But if you talk about a new Marxist functionalism, भाई इसके अंदर liberation theology की example आ जाती है और आपकी जितने movements हैं IEM, वो जो Christian Church ने support किया था इस idea को कि भाई जो African Americans हैं, Black Americans हैं, उनके rights oppose हो रहे हैं. समझ में आई बात, उनको oppress किया जा रहा है. तो religion ने agreement किया और religion ने उस system को oppose किया जो existing social order की form के अंदर inequality create कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सामने आती है. एक तरफ तो हमारे पास ब्रूस कहता है कि religion जो है inequality create करते हैं, sorry, religion जो है division create करते हैं. दूसरी तरफ क्या है कि religion जो है एक functionality, उसकी ये भी है new functionalism के नजदीक कि religion may contribute to the social change. इसकी example liberation theology आ जाती है. जैसे liberation theology actually core link थी किसके साथ, ब्राजील वगैरह के साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ. ठीक है, आपकी जो ये वाली जो मूवमेंट लिबरेशन थियोलॉजी में याद है, लिबरेशन थियोलॉजी बहुत बड़ी मूवमेंट, इसको हम किसी एक साइड से लिंक नहीं कर सकते. तो 1960 के अंदर जो क्रिश्चियन चर्च ने मेंबरशिप डेवलप किया, आइडिया डेवलप किया था जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ थी. तो क्या हुआ, रिलीजन कंट्रीब्यूट टू द सोशल चेंज, ये कौन कह रहा है, न्यू फंक्शनलिस्ट कह रहे हैं. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, न्यू फंक्शनलिस्ट कह रहे ना, तो प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स देखी है ना, तो इसी वजह से तो वो रिलीजन इंटीग्रेशन के बजाय उसके नजदीक डिविजन क्रिएट कर रहा है. न्यू फंक्शनलिस्ट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना मेरा चंदा. लेकिन सर देखें, रिलीजन जो है वो लाइक सबको यूनाइट, मेरी बात मैं एक समझ लो बेटा ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट क्या कहेंगे, वो सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं. जी ऐसा ही जी जी, पूरी सोसाइटी को एक सॉलिडारिटी के अंदर कलेक्टिव कंसाइंस में देखते हैं. जी मेरा चंदा, न्यू फंक्शनलिस्ट को नजर आता है कि भाई ये जो इन्होंने इतनी एब्सोल्यूट एग्जाम्पल प्रेजेंट की है, आज की सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, आज की सोसाइटी में ऐसा नहीं होता. सही है, समझ आई बात. जी जी, मतलब वो जो है ट्रेडिशनल फंक्शन, रूस ने कहा कि डिवीजन क्रिएट हो जाएगा. फिर हमारे पास ये 1960 के अंदर जो सिविल राइट्स मूवमेंट्स है वो नजर आती है कि रिलीजन जो है वो कुछ सोसाइटी में कुछ लोग मिल जाते हैं जिससे स्टेबिलिटी के बजाय रिलीजन के नाम पे चेंज आ जाता. ठीक है, तो सर ये इसको इस तरह कर सकते हैं ना कि न्यू फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इग्नोर करते हैं, मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट इग्नोर, फंक्शनलिस्ट इग्नोर नहीं करते. नहीं नहीं, ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट इग्नोर करते हैं, लेकिन न्यू फंक्शनलिस्ट बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल. तो उसमें हम ये एग्जांपल देते हैं ना, लिबरेशन थ्योरी कंफ्यूजन. अच्छा, ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म मार्क्सिज्म में मसला है, उसमें मसला है. ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म तो बहुत ही आसान है मेरा चाचा, न्यू मार्क्सिज्म पे आ जाए डायरेक्ट. जी सर, न्यू मार्क्सिज्म पे आ जाए, न्यू मार्क्सिज्म पे आ जाए. अब आ जाओ, ये आ गया. लिबरेशन थियोलॉजी मैं समझाया था, एक मिनट ये पढ़े, मैं आपको आगे करता हूँ. एक मिनट
अच्छा जी आगे बढ़ते हैं अब इस आइडिया को डेवलप ठीक है अगेन लेके आता हूं देखो मेरी बात सुनो न्यू मार्क्सिज्म वहां कूदेगा जहां ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म खामोश हो जाएगा ये बात समझ में आती है फातिमा जी सर अच्छा देखो मेरी बात सुनो सिविल राइट्स की जो मूवमेंट थी ना बहुत सारे सोशियोलॉजी के नजदीक लिबरेशन थियोलॉजी के साथ थी सिविल राइट्स मूवमेंट समझ में आती है ये वही ना चर्च वाली ना एग्जैक्टली बेटा जी जिसने अफ्रीकन अमेरिकन को राइट दिया था मैं सिविल राइट्स को भी अभी लिबरेशन थियोलॉजी को भी अलग से समझा दूंगा सिविल राइट्स समझ लो काफी है तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये जो अगर हम फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट के बारे में क्वेश्चन आता है पर्सपेक्टिव पे तो हम फंक्शनलिस्ट को इवैल्यूएट कर देंगे न्यू फंक्शनलिस्ट से मार्क्सिस्ट को इवैल्यूएट कर देंगे न्यू मार्क्सिस्ट से राइट बिल्कुल बेहतरीन हो गया अब टर्नर इफ वी मेजर रिलीजियस कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ थिंग्स सच एज चर्च अटेंडेंस and membership of religious groups. The working class have never been particularly religious. Working class religious hoti hi nahi hai, unka concern hi nahi hai. Religion un logon ka masla hai, jinke paas, jinki physiological needs fulfilled hain. Theek hai? Toh bhai, ab kya hua? Contemporary societies, ab uske nazdeek kya hai? Ab Marxism, kya keh raha tha? Marxism keh raha tha ki religion contributes to the capitalism. Religion acts as an agent of capitalism. Sahi hai mera beta. लेकिन उसने कहा कि जब रिलीजन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस लेवल के ऊपर तो भाई ऑटोमेटिकली फिर क्या हुआ जब रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा यानी कि रिलीजन की इंपॉर्टेंस ही उस तरह की नहीं एग्जिस्ट करती ठीक है तो भाई कैपिटलिज्म तो फिर रिलीजन की वजह से फैल ही नहीं रहा तो मार्क्सिज्म की बात तो यहीं पर डिसएग्री हो जाती है कि भाई जब रिलीजन प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा सब चीजें आगे पीछे हो जाएंगी यानी कि मार्क्सिस्ट की थ्योरी अप्लाई नहीं होगी Contemporary societies are less religious. Contemporary societies can religious less. So false consciousness would be weaker. There has not been great increase in questioning of capitalist economics. Ab kya hua? There has not been a great increase in questioning of the capitalist economic system. Yani ki ab kya hua? Bahut simple si baat hai. False consciousness weak ho gaya kyunki religion bhi weak hona shuru ho gaya. Ab dekho. ट्रेडिशनल फंक्शंस क्या कहते हैं रिलीजन फंक्शंस टू सपोर्ट द स्टेटस को एंड प्रिवेंट द सोशल चेंज ऐसा ही है तो फिर अब यहाँ पे बात आती है इट कैन बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट इन रोल इन सम सेक्युलर कॉन्फ्लिक्ट्स सच एज ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 यूएस सिविल राइट्स मूवमेंट अब क्या हुआ जो ट्रेडिशनल फंक्शनिज्म की जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म की बात थी कि रिलीजन जो है वो डल द पेन ऑफ ऑपरेशन और सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आ जाता है तो यहाँ पर आप बोलेंगे भाई नहीं ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ है सिविल राइट्स मूवमेंट है लिबरेशन थियोलॉजी है रेवोल्यूशनरी चेंज आया दुनिया के अंदर वो चेंज इसलिए आया है मेरा बेटा क्योंकि वो रिलीजन जो है रिलीजन ने कंट्रीब्यूट किया उस चीज के अंदर यहां तो समझ में आ गई बात जी सर अच्छा अब न्यू मार्क्सिस्ट हैव अडॉप्टेड ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट व्यूज टू ट्राई टू एक्सप्लेन रिलीजन इन कंटेंपरेरी सोसाइटीज यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस हेजेमोनी फॉर ग्राम्शी अब कहता है hegemony involves the idea that beliefs about the world that benefit the ruling class are not simply imposed by the religious organization. Rather, the ruling class group maintain their dominant position through the consent of those lower down the social scale. अब बहुत मैंने आपको एक hegemony को समझाया था consent of the led ठीक है यानी कि मुझे मेरी इजाजत के साथ oppress किया जाए समझ रहे हैं आप मेरी बात यानी कि आई एम गोइंग टू परमिट दिस थिंग दैट यू कैन एक्सप्लॉइट मी दिस सोशल स्केल इटसेल्फ मैन्युफैक्चर्ड बाय कल्चरल इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजन एजुकेशन एंड मीडिया एंड द आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस ठीक है यानी कि एक हेजमोनी का सिस्टम बिल्ड किया जाता है हेजमोनिक कंट्रोल का मतलब क्या है कि सोसाइटी के सारे कल्चरल इंस्टीट्यूशन मुझे मोल्ड करें इस आइडिया के लिए कि भाई कैपिटलिज्म इज एवरीथिंग अब क्या होता है all in their different ways transmit messages supporting the status quo one common message for example that there are allowed ways to express dissent
such as voting for a change for the of government. यानी कि आपको दिखाया जा रहा होता है कि आप change ला सकते हो, लेकिन आप इतनी आसानी से change नहीं ला पाते हो. These form of expression never directly challenge the economic status quo and hegemony of the ruling class. यानी कि system जो होता है वो इस तरह से build किया जाता है कि आप कभी भी ruling class की hegemony और control को oppose नहीं करते हो. ठीक है, देखो याद रखना, new Marxism is linked with the hegemony. ठीक है, in religion also, in media also. Hegemony makes it possible for religious ideas to be seen as influential in contemporary societies without necessarily having to show that majority of people either believe or support them. अब देखो, एक hegemony actually क्या करती है? Hegemony feeling of consensus build करती है. यानी कि सबको लग रहा होता है everything is going very fine. ठीक है, automatically सबको support करना शुरू हो जाते हैं. In fact, they may accept those ideas because they are powerless to challenge or change them. यानी कि वो लोग powerless होते हैं इस चीज के लिए. Change नहीं आता. New Marxists see religion as much as source of unity for a ruling class as a way of oppressing and working class. Shared religious beliefs and practices represent their own way with the various elements of the ruling class come to see themselves as class apart with common political, ideological, and economic interests. Religion provides a set of moral guidance. यानी कि religion जो है वो एक्चुअल में एक पूरा सोशल मैकेनिज्म बिल्ड करके देती है जिसकी वजह से वो सारा हेजमोनिक सिस्टम रन थ्रू होता है. यहाँ तक समझ में आई बात? जी सर. कोई सवाल यहाँ तक? सर इस मोमेंट हम ये कह सकते हैं ना मार्क्सिज्म कि रिलीजन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज वो करती है इन्वोक करती है, और ये न्यू मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि ये जो ऑप्रेस हो रहे हैं वर्किंग क्लास वाले वो अपने कंसेंट से ऑप्रेस हो रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा जी, अब आए नेक्स्ट नेक्स्ट क्यूरी की तरफ आते हैं. कोई और यहाँ तक इसके अलावा? अब आते हैं लिबरेशन थियोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं, निशान करते हैं. अच्छा, लिबरेशन थियोलॉजी को रिलीजन, सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो. सिविल राइट्स मूवमेंट्स हो गई, सही है, 1960 जिसके अफ्रीकन अमेरिकन को राइट्स मिले थे, ठीक है, वो चीज हो गई. ठीक है, और आपका लिबरेशन थियोलॉजी हो गई, ईरानियन रेवोल्यूशन हो गई. ठीक है, ये इजिप्ट के अंदर जो रेवोल्यूशन आया 2011 के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से, वो हो गई. ये सारे रिलीजन एज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज के अंदर हम बात कर सकते हैं. ठीक है जी, अब लिबरेशन थियोलॉजी क्या थी, अब उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, किसने सपोर्ट किया. हाँ बोले. ये जो रिलीजन एज सोशल चेंज है, ये न्यू मार्क्सिज्म में भी आ सकता है, ये न्यू फंक्शनलिस्ट में भी आ सकता है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही. सही है, ठीक है. अच्छा आ जाए भाई,
liberation theology developed in South American countries such as Brazil in 1950s and 1960s. अब इसीलिए क्योंकि ये वही टाइम था जब दुनिया के अंदर ये था क्या, मैं तो ना बता, एक्चुअली क्रिश्चियन चर्च ठीक है वो सपोर्ट कर रहा था ऑप्रेस ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी, ठीक है, अगेंस्ट द टू डेवलप द सोशल चेंज, सोसाइटी की सोशल हायरार्की के खिलाफ, एथनिक मेजोरिटी के खिलाफ, यानी कि जो जो लोग उनको दबा रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे, उनके खिलाफ बिल्ड कर रहा, ठीक है. It brought together Christian theology and Marxism to emphasize a social concern of for the poor and the need of revolutionary and social change. Some Catholic priests formed political alliance with the revolutionary groups to oppose the government policies against the wishes of the Catholic Church hierarchy. ठीक है? हुआ क्या था? Catholic Church की जो hierarchy थी ना, यानी कि top hierarchy थी. देखो मेरी बात सुनो. अब देखो, actually जो Catholic priests थे उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपोज किया, ठीक है, पर्टिकुलरली वो जो कैथोलिक चर्च के हायरार्की के खिलाफ. सम गवर्नमेंट्स ऑफ द टाइम सच एज द मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऑफ ब्राजील वर नॉट ओनली फोर्सिंग डाउन लिविंग कंडीशंस बट वर आल्सो रिप्रेसिव एंड वायलेंट, टॉर्चरिंग एंड किलिंग पॉलिटिकल अपोनेंट्स. लिबरेशन थियोलॉजी प्रीस्ट हु बिकेम इन्वॉल्व विद द ट्रेड यूनियंस पॉलिटिक्स एंड सम टाइम्स रेवोल्यूशन किल्ड फॉर देयर बिलीव्स वाज ऑस्कर रोमेरो, ठीक है, एल सल्वाडोर जो थे मर्डर्ड व्हाइल सेइंग मास इन अ कैंसर हॉस्पिटल 1918. इनके बहुत सारे लीडर्स मारे भी गए. वन कॉमन वे दैट प्रीस्ट एंड नंस एक्टेड ऑन देयर बिलीफ वाज टू मूव इनटू द पुअर नेबरहुड सच एज द ग्रोइंग स्लम्स इन सिटीज सच एज रियो डी जेनेरो एंड वर्क विद लोकल पीपल टू इम्प्रूव कंडीशंस थ्रू फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी प्रोग्राम्स and raising political awareness. Liberation theology was applied in different ways in different places, including in defense of native communities. यानी क्या, अब जो oppressed लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ideas को support किया जा रहा है. Supporters of liberation, अब क्या है, एक ऐसी liberation का मतलब आजादी, theology का मतलब मजहब, ठीक है, यानी कि मजहब की help से oppressed group को आजादी दिलाई जा रही है problems के साथ. Supporters of liberation theology saw it as a return of the roots of the original church, arguing that Jesus had sided the poor and the oppressed. As Bernardo Hewitt argues for its proponents, the theology of the liberation becomes the only way to understand the church and its mission. The church must be involved and must opt for the poor. यानी कि op यानी कि poor को आके ideas को support किया जा रहा है, ठीक है. यानी कि रिलीजन जो मार्क्सिस्ट कैथोलिक थे उन्होंने क्या किया कि रिलीजन कुड एंड शुड बी फोर्स फॉर द लिबरेशन ऑफ द पुअर एंड फॉर द माइनॉरिटीज. अच्छा, अब इसके अंदर जो अपोजिशन फोर्स थी, मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रोटेस्टेंट्स थे, प्रोटेस्टेंट्स ने अपोज किया था, ठीक है.